शनि महिमा गुणगान करे हम शनि महिमा गुणगान। सभी ग्रहों में शनि देव जी, सभी ग्रहों में शनि देव कहलाते बड़े महान। करे हम शनि महिमा गुणगान करे हम शनि महिमा गुणगान। प्यारे भक्तों, आज हम तुम्हें शनि गाथा सुनाते हैं। एक बार सूर्य देव का मन संज्ञा देवी नाम की राजकुमारी पर आ जाता है और वो उससे विवाह कर लेते हैं। लेकिन संज्ञा देवी से सूर्य देव का ताप सहन नहीं हो पाता और वो अपनी परछाई सूर्य देव के पास छोड़कर चली जाती है, जिनसे शनि देव उत्पन्न होते हैं। मगर छाया देवी के कारण उनका रंग कागा के समान काला हो जाता है। सूर्य देव जब देखते हैं तो वो बड़े लज्जित होते हैं। तो आइए सुनते हैं। बोले सूर्य देव ता ये तो कागा से काला रूप होना चाहिए था, देव जी सुनते हैं तो पिता द्वारा किया अपमान उनसे सहन नहीं होता और शनि देव जी अपनी वक्र दृष्टि सूर्य देव पर डाल देते हैं, जिनसे सूर्य देव का रथ रुक गया और वो क्षय के रोगी हो जाते हैं। जब सूर्य देव का रथ रुक जाता है तो सृष्टि में घोर अंधकार हो जाता है। सूर्य देव भोलेनाथ को आकर सब वृतांत सुनाते हैं। फिर भोलेनाथ सूर्य देव को बताते हैं कि हे सूर्य देव, शनि देव की वक्र दृष्टि से सिर्फ शनि देव ही बचा सकते हैं, अतः आपको उनसे माफी मांगनी होगी। भोलेनाथ की ये बात सुनकर सूर्य देव को माननी ही पड़ी और वो शनि शरण में जाते हैं और शनि देव से कहते हैं, भूल पे मैं शर्मिंदा, मैंने तुम्हें ना पहचाना, किया अपमान जो मैंने, पुत्र दो उसको भुलाना, किया अपमान जो मैंने, पुत्र दो उसको भुलाना। फिर तो सूर्य देव पे शनि हो गए हैं प्रसन्न, वक्र दृष्टि के कारण।
तरह सूर्य देव शनि देव को कलियुग के न्यायाधीश होने का वरदान देते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में बहस छिड़ जाती है कि कौन सा ग्रह सबसे महान है, जिसके लिए सभी ज्ञानी पंडितों को बुलाया जाता है और सबसे बारी बारी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे उत्तम है। तो आइए सुनते हैं। एक दिन राज्यसभा में बैठे सब विद्वान हैं, बात चली नव ग्रहों में कौन सा ग्रह महान है। बात चली पंडित अपने अपने ज्ञान के अनुसार सभी ग्रहों की बड़ाई करते हैं। जहाँ पहले पंडित ने सूर्य की महिमा बताई, तो दूसरे ने सोम ग्रह को उत्तम बताया, तीसरे ने सबसे मंगलकारी मंगल को बताया और चौथे पंडित ने बुध ग्रह की महिमा का वर्णन किया। पांचवा पंडित कहता है कि गुरु ग्रह महान है, तो छठा पंडित शुक्र ग्रह को उत्तम बतलाता है। वहीं सातवां पंडित राहु केतु की महिमा गाता है, परंतु आठवां पंडित शनि देव ग्रह की महिमा बतलाता है। आइए सुनते हैं। आठवें पंडित ने तो शनि ही महान बताए, सूर्य को भी झुकाया, वो किस्सा दिया सुनाए। सूर्य को भी था झुकाया, वो किस्सा दिया सुनाए। सुनकर बोले राजन, क्यों उत्तम उसे कहा है, खुद अपने ही पिता का जिसने अपमान किया है। खुद अपने ही पिता का जिसने अपमान किया है। ऐसे पापी को तो मैं कभी, ऐसे पापी को तो मैं कभी मानू नहीं महान। करे हम शनि महिमा गुणगान, करे हम शनि महिमा गुणगान। प्यारे भक्तों, जैसे ही उस पंडित ने बतलाया कि शनि देव ने कैसे खुद सूर्य देव को भी झुका दिया था, तो राजा विक्रमादित्य को क्रोध आ गया। बोले कि जिसने सूर्य देव यानी अपने पिता का ही अपमान किया हो, हे पंडित, वो किस दृष्टि में उत्तम हो सकता है? इस दरबार में उसकी बड़ाई करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं, तुम्हारा ज्ञान धिक्कार है। किंतु जैसे ही शनि देव ने राजन के वचन सुने, उन्हें अति क्रोध हुआ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। जो राजन शनि देव का किया है यूं अपमान, जो वो क्रोधित होकर आए लेकर काग विमान को, वो क्रोधित होकर आए
वजह से जब शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को शाप दिया तो राजन को अपने वचनों पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। किंतु शनि देव तो शाप दे ही चुके थे। राजा विक्रमादित्य ने शनि श्राप से बचने के लिए भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, शनि शाप से तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। आपने उनका अपमान किया है, परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा। राजा की राशि में फिर शनि देव है आए, दिन प्रतिदिन फिर तो होता नुकसान ही जाए। देव के कुपित हो जाने से उज्जैन नगरी में घोर अकाल पड़ गया। सारी प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा के सभी खजाने भी खाली हो गए। उधर से एक राजा ने आक्रमण करके उज्जैन नगरी को भी जीत लिया और राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकर खाने लगे। उन्हें अपनी भूल पर भारी पश्चाताप हो रहा था, किंतु शनि देव की वक्र दृष्टि का कोप अभी मिटा नहीं था। वक्र दृष्टि शनि की फिर तो ऐसा रंग लाई, चंद्रसेन राजा से चोरी की सजा है पाई। चंद्रसेन राजा से चोरी की सजा है पाई के बंद देव जी ने राजन को चोरी की सजा दिलाकर उनके हाथ और पैर कटवा दिए। वो एक तेली के घर नौकर बनकर रहने लगे। तेली उन्हें कोल्हू के ऊपर बिठा देता और दिन भर बैल चलाने को कहता। आखिर राजा विक्रमादित्य को हार माननी पड़ी और शनि देव से माफी याचना करने लगे। जब शनि देव प्रसन्न होकर कहते हैं, आइए सुनते हैं। फिर तो प्रसन्न होकर है राजन को समझाया अहंकार के कारण।
तो इस प्रकार शनि देव राजन की क्षमा याचना से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, मुझे तो तुम्हारा अहंकार ही मिटाना था, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें राजपाट सहित तुम्हारी काया भी वापस लौटाता हूँ। तो आइए सुनते हैं। अब तो चैन नगरी में फिर लौटी खुशहाली, भर गए फिर से खजाने जो कभी हुए थे खाली, भर गए फिर से खजाने जो कभी हुए थे खाली। फिर तो राजन के संग में सभी लगे खुशी मनाने, शनि पूजा भी करते लगे है शनि गुण गाने, शनि पूजा भी करते लगे है शनि गुण गाने। सिंगनापुर के नाम से जाना, सिंगनापुर के नाम से जाना, जाता है वो स्थान करे हम शनि महिमा गुण गान, करे हम शनि महिमा गुण गान। तो प्यारे भक्तों, इस तरह शनिदेव भक्तों पे कृपा करते हैं और अहंकारियों का अहम मिटाते हैं। आज भी शिन्नापुर नगरी में शनि देव को बड़ी धूमधाम से पूजा जाता है। अतः भक्तों, अहंकार को छोड़कर शनि देव के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। अर्ज करे गुलशन शर्मा, अहम ना मुझे कभी हो, काज तो मेरे भगवन करते आप सभी हो, काज तो मेरे भगवन करते आप सभी हो। फौजी सुरेश तुम्हारे बस है दर्शन का प्यासा, मेरी इस जीवन में ना और कुछ भी अभिलाषा, मेरी इस जीवन में ना और कुछ भी अभिलाषा।